हेलो फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज का है वो आईआर से रिलेट करता है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, बिग डाटा हो गया, तो उसके कारण हमारे फॉरेन पॉलिसी को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके बीच में एक डीप इम्पैक्ट है। वो हमारे रशिया के मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो या US से टेक्नोलॉजी लेने की बात हो, तो हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर हो रही है हमारी, हमें हमारे रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमें जियोपॉलिटिक्स के अनुसार भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि टेक्नोलॉजी को के एक्सेस, एडॉप्शन या डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, वो है जैसे कि आपका जियोग्राफिकल पोजिशन क्या है। मतलब कि अगर आपके पास हार्स जियोग्राफी है या स्कार्स वाटर रिसोर्स है, जैसे कि इसराइल की के पास पानी की कमी है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को ऐसा यूज़ किया कि उसे पानी की कमी आसानी से हैंडल कर ली। उसी तरह रिलेटिव एक्सेस टू रिसोर्स दूसरा फैक्टर है, यानी कि आपका कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि चाइना ने क्या किया कि अब लार्ज के लेवल, उसके पास लेबर बहुत सारा था, तो उसने लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस किया, ठीक है। जबकि US के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है, मतलब R&D पे US ने ज़्यादा फोकस किया। तो रिसोर्सेस कैसे हैं आपके अनुसार, उसके अनुसार आपका जो पॉलिसी है वो फ्रेम होता है। तीसरा है कि रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। ये तो हमने समझा कि जो कंट्री खुद का क्या हाल है उसके बेसिस पे, अगर लेकिन जो दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप है वो भी टेक्नोलॉजी के अनुसार जो पॉलिटिकली डिसाइड होती है। हम अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैपन्स कलेक्टिवली भी और साइलोज में भी। जैसे कि अब सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने जो कोविड का अभी रिसर्च किया, तो बहुत सारे कंट्रीज ने कलेक्टिवली किया। उसी तरह इंडिया का जो इसराइल रिलेशनशिप है वो इंडिया को हेल्प कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से इंडिया की तरफ आ रहा है। उसी तरह चौथा पॉइंट है कि नेशनल प्रायोरिटीज़ और डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स इसी तरह नेशनल प्रायोरिटीज़ और डोमेस्टिक कंसर्न्स भी आपका टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। नेचर ऑफ पॉलिसी लाइक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एजुकेशन सिस्टम, सोशल एक्सेप्टेंस फॉर टेक्नोलॉजी, ये सब इम्पैक्ट करता है। जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर सकती है हमारा जो जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है। कैसे? जैसे कि सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का हो गया या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है। तो जैसे जैसे सिक्योरिटी मतलब कि जो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रहा है, तो हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी उसी अनुसार चेंज हो रहा है। अब जिसका एग्जांपल है कि US अलॉन्गसाइड विद कंट्रीज लाइक UK एंड फ्रांस हैव अप्रिहेंसिव ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हुआई टेक्नोलॉजी। मतलब हुआई पे जो कि आपका चाइना का है, उस पे शक हो रहा है इन सब कंट्रीज को, जैसे US को, UK, फ्रांस को। उसी तरह आपके इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे भी इम्पैक्ट करता है। मतलब कि जैसे कि इसराइल बहुत छोटा सा कंट्री है और बहुत ही वॉलेटाइल और अनस्टेबल नेबरहुड है उसका, लेकिन उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसका एक कारण उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है। उसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका इम्पैक्ट करता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो इनेबल करता है हायर वर्कर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक की वेरिएबल बन जाता है इन रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी किसी भी कंट्री के। जो करंट जो पॉलिटिक्स है उसमें भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। मतलब कि अगर आप डिवीज़न देखो तो एक तो है आपका टेक्नोलॉजी अथॉरिटेरियन रिएक्शन, इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा चाइना। दूसरा है आपका टेक्नोलॉजिकली डेमोक्रेटिक रिएक्शन, वो इसमें वो नेशन आएंगे जो कि गाइड होते हैं बाय जुडिशियल स्टैंडर्ड, रूल ऑफ लॉ, और जो सपोर्ट करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ डाटा और टेक्नोलॉजी। इसमें इंडिया भी आएगा, US आएगा। तो इंटरप्ले बिटवीन दिस टू टाइप्स हैव क्रिएटेड पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टेंशन। मतलब एक तरफ आप देखो चाइना जो कि हर तरह से डाटा को कंट्रोल कर रहा है, डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, उसकी पब्लिक क्या देखती है इसको कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और US जैसे देश हैं जो कि टोटली डाटा को फ्रीली फ्लो करने दे रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण जो ग्लोबल टेंशन और पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टेंशन क्रिएट होता है। तो आगे अब जो डिबेट है वो है कि क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इफेक्ट विल टेक्नोलॉजी हैव ऑन फ्यूचर प्ले ऑफ US चाइना रिलेशनशिप। मतलब टेक्नोलॉजी और US चाइना रिलेशनशिप का ये पहला डिबेट है। दूसरा है कि विल इंटरनेट ब्रेक इंटू स्प्लिंटरनेट। स्प्लिंटरनेट मतलब कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेव है, जो फ्री मूवमेंट है, वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए।
तो इसीलिए लिखा हुआ है कि एज इंटरनेट गवर्नेंस थिकन्स द वर्ल्ड वाइड वेब वुड सेगमेंट, मतलब अलग अलग हो जाएगा इनटू कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिटल इकोसिस्टम या स्प्लिंटरनेट्स, इसी को हम स्प्लिंटरनेट्स कह रहे हैं। तीसरा है कि इस क्रिएशन ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी रेजिम पॉसिबल, मतलब कि अभी तो हर एक नेशन अपना तक तो हर एक नेशन सॉवरेनली अपना सेफ गार्ड कर रहा है, और साथ में जो ग्लोबल रेगुलेटरी रेजिम है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कि हर एक देश अपने अनुसार डिसाइड कर रहा है क्या क्या रेगुलेशन होगा डाटा फ्लो का, टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर ग्लोबल इसी पे बात हो रही है कि क्या ग्लोबल रेगुलेटरी रेजिम पॉसिबल है, और इसी में फिर आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया की स्टैंडिंग क्या है इन द करेंट ग्लोबल सिनेरियो एंड व्हाट शुड इट डू। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि किस किस तरह से, पहले तो आपको मेंशन करना होगा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप मेंशन करोगे कि इंडिया को किस किस एंगल से देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका आएगा पहला पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, क्योंकि इससे क्या होगा कि और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डाटा भी, पर्सनल डाटा भी। तो इस तरह से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ पहला। दूसरा, रेगुलेटरी क्लैरिटी और न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसका इंडिया की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, अब जैसे एज सिंपल एज ब्लॉकचेन का हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया, तो इसमें जो क्लैरिटी है वो जरूरी है, रेगुलेटरी क्लैरिटी। तीसरा, इवॉल्व अ क्लियर स्टैंड फॉर ग्लोबल स्टेज, मतलब कि कैसे इंडिया ग्लोबली हैंडल करना चाहता है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो इंडिया का स्टैंड है उसमें क्लैरिटी जरूरत है। चौथा, टेक डिप्लोमेसी, मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उसने रिसेंटली क्रिएट किया है एक नया NEST डिवीज़न, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी से रिलेट करेगा। तो इस तरह के एफ़र्ट्स क्लियरली और ऐसे एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। पांचवा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है वो की पार्ट है ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी शुड बी अ की फीचर ऑफ बायलैटरल रिलेशन, मतलब कि अब इंडिया को भी ये बात समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो जब भी वो किसी डेवलप्ड कंट्री से बात करे तो टेक्नोलॉजी भी उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो जियोपॉलिटिक्स जो है अभी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो इस कारण से देखना पड़ेगा कि कैसे आगे टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का कनेक्शन सामने आता है। सो इस तरह से हमने समझ लिया आर्टिकल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।